हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइन लर्निंग क्लासेस। आज हम आपका टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सब प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में आपके दो तरह के प्रिंसिपल्स आते हैं यहाँ पे, जनरल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम आपका डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ओके, देखो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का मीनिंग क्या है, क्यों हमें इसका इस्तेमाल करना है। देखो, जब भी आप कोई मेथड या स्ट्रेटजीज किसी भी टीचर को यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपका जो मेन बेस है, ठीक है, जो नींव है आपकी, वो होते हैं ये प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स का एक टीचर्स को अपने मेथड या स्ट्रेटजीज यूज़ करने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के वो अपना मेथड एंड स्ट्रेटजीज अपनाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो पहला प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। भाई, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, कि जो टीचर है वो इस बात का ध्यान रखे, वो इस प्रिंसिपल को ध्यान रखे कि आपको क्लास के अंदर बच्चों को मोटिवेट करना है और क्लास के अंदर इंटरेस्ट बना के रखना है। ओके, यानी कि जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, उसमें आपको मोटिवेशन करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सके और अपने न्यू आइडियाज़ आपके सामने रख सके और अपनी बात को आपसे कह सके। ओके, और टॉपिक्स के अंदर इंटरेस्ट ले सके अच्छे से। जितना ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेंगे, उतनी ही ज़्यादा वो आगे उस टॉपिक को समझेंगे और अपने आइडियाज़ को आपके सामने रखेंगे। ओके, तो पहला प्रिंसिपल था आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, जिसका मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसमें जो टीचर और लर्नर हैं दोनों को एक साथ काम करना है और इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है कि बच्चों की जो क्लास आप ले रहे हो, जिस क्लास में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपके सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंटरेस्ट ले आपकी क्लास के अंदर और वो मोटिवेटेड भी रहे, उनको डीमोटिवेट नहीं करना है। ओके, सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्री क्रिएशन। भाई देखो, क्या होता है जब आप क्लास ले रहे हो किसी बच्चों के, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप जब स्टूडेंट रहे होंगे तब भी आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेंथी टीचिंग कर लेते हो, कोई टीचिंग टास्क या एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा लेंथी अगर आप करा रहे हो, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है, बोर के साथ साथ थक भी जाते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है, यानी कि वो डिस इंटरेस्ट लेने लगते हैं आपके टास्क में जो आप टीचिंग टास्क करा रहे हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या अपनी क्लास के अंदर कुछ न्यू करें या कुछ रिक्रिएट करें उस टीचिंग के टाइम पे, कि आप उन बच्चों को इस बोरियत से बचा सको। ओके, जैसे आपने देखा भी होगा, जब आपकी बहुत लेंथी क्लास होती थी तो बीच में जो टीचर है कभी कभी वो जोक्स क्रैक करते थे या कुछ भी आपसे इंटरेस्टिंग बातें करते हैं बीच बीच में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका माइंड जो है वो थकता भी नहीं है और आप मोटिवेटेड भी रहते हो क्लास में पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, पढ़ने के लिए, और इंटरेस्ट भी स्टूडेंट्स का मन के बना रहता है। ओके, थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज। देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज आपने काफ़ी बार देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को रिपीट कर करके पढ़ाया जाता है। ओके, उन्हें होमवर्क दिया जाता है घर के लिए, तो क्यों दिया जाता है, देखो हर किसी का नेचर ये है, अगर आप किसी चीज़ से हट जाओ या आपकी जो एक्वायर्ड नॉलेज है उससे अगर आप दूर चले जाओ थोड़ा सा भी, तो आप उसको भूलने लगते हो, ठीक है। और पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है कि आप खुद ही इस पे इतनी बोरियत लगती है बच्चों को कि वो खुद ही भूल जाते हैं टॉपिक्स, आज पढ़ाया तो कल को क्या हो तो शाम तक भी याद ही रखते हैं। तो इस प्रिंसिपल का ये मीनिंग है कि प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एक्सरसाइज, आपको क्या करना है, मान लो आप नेक्स्ट क्लास में गए तो आपको जो आपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया है उसको एक बार रिपीट कराओ। ओके, होमवर्क दो घर के लिए, उस अगर आप उसको रिपीट कराते रहोगे और एक्सरसाइज देते रहोगे, तो इससे क्या होगा, जो बच्चा है वो भी डिसइंटरेस्ट नहीं होगा और उसका भी इंटरेस्ट बना रहेगा आपके टॉपिक के अंदर, कि उसको पता रहेगा कि क्या चल रहा है हमारी क्लास के अंदर। ओके, जिसकी वजह से उसको ये भी समझ में आएगा कि अब क्या होने वाला है और क्या मैम सुनेगी नेक्स्ट क्लास में। तो इस प्रिंसिपल को याद रखना है, एक टीचर को जब भी कोई मेथड या टीचिंग स्ट्रेटजीज आप यूज़ करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एक्सरसाइज, यानी कि क्लास के अंदर आपको रिपीट कराना है लेसन को, अगर उन टॉपिक्स उनको समझ में नहीं आया ना, उसको रिपीट कराना है, उनको एक्सरसाइज देनी है। ओके, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल का मीनिंग क्या होता है भाई,
किसी चीज की आप मलहम पट्टी करना, ठीक है। मान लो कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो और आपसे कुछ गलती हो जाए या एरर आज आपके पढ़ाते टाइम कुछ भी, तो आप वहाँ पे शर्माए ना एक तो, ठीक है, कि मैंने क्या बोल दिया, क्या नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ रिमीडियल टीचिंग का मीनिंग क्या है, देखो सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपके टीचिंग टाइम टीचिंग पीरियड के अंदर कोई आपसे एरर हो जाए तो आप उसको अपनाएं और उसको ठीक करें, ठीक है। दूसरा आता है अगर स्टूडेंट्स की तरफ से देखा जाए, मान लो आप एक्सरसाइज एंड रिपीटेशन करा रहे हो लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, ना ही उनको समझ में आ रहा है, तो आप इस बात को समझोए। आप साइकोलॉजिकल बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड करें कि बच्चे की साइकोलॉजी इस टाइम पे क्या कह रही है, उनके चेहरे देख के आप देखें कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज़ को दोबारा से सही कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रीइन्फोर्समेंट। रीइन्फोर्समेंट यानी कि किसी को इनाम देना या कुछ मोटिवेट करना, ऐसा कुछ, ठीक है। आपने काफ़ी बार देखा भी होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो रीइन्फोर्समेंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई टीचर आप अपनी क्लासेस याद करो, जब आप छोटे थे तो मैम जो थी आपको गुड वेरी गुड या कोई टॉफी या प्राइजेस आपको मिलते थे, तो आप उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते थे और आप नेक्स्ट जो होमवर्क वो देने वाली है उसको बहुत जल्दी से करके लाते थे, ठीक है, क्योंकि आपको गुड मिलने वाला था या कुछ भी आपको इनाम मिलने वाला। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ रीइन्फोर्समेंट। एक टीचर को याद रखना है कि जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उनका इंटरेस्ट बनाने के लिए, उनको आगे के लिए मोटिवेट करने के लिए, उनका जो बिहेवियर है आंसर ना करने का उसको चेंज करने के लिए भी आप प्रिंसिपल ऑफ रीइन्फोर्समेंट का यूज़ करें, ओके। अब सिक्स्थ प्रिंसिपल आपका, सो सिक्स्थ प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है कि आपको बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी एनकरेज करनी है, और सेल्फ एक्सप्रेशन का मीनिंग है कि बच्चों को आप बोलने के लिए अपने व्यूज़ या अपना एटीट्यूड प्रेजेंट करने के लिए उन्हें एनकरेज करो, ठीक है, उनको इतना कैपेबल बनाओ कि वो आपके सामने अपने व्यूज़ रख पाए, अपने आइडियाज़ आपके सामने रख पाए। यानी कि वही प्रिंसिपल आपका क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन का मीनिंग यही है कि आपको कुछ क्लास के अंदर क्रिएटिविटी करानी है और बच्चों के अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करने हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सके, आपके सामने कैपेबल बन सके। आप उन आइडियाज़ को सामने कैसे रखेंगे, जब आप उसको सेल्फ एक्सप्रेशन करना सिखाओगे कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। कैसे एक्सप्रेस करेगा, वो आपके जो प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ठीक है, रीइन्फोर्समेंट, इन सब प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना, आप क्लास के अंदर क्वेश्चंस जैसे पूछते हो तो आप हर एक बच्चों को मौका दे कि वो अपने व्यूज़ आपके सामने रखे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग एंड क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि आपको एनकरेज करना है क्रिएटिविटी को और बच्चों को कैपेबल बनाना है अपने व्यूज़ एंड आइडियाज़ को आपके सामने रखने के लिए, ओके। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। भाई प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि एक टीचर को क्या करना है, बच्चों के साथ एक सफिशेंट सिंपैथी रखनी है, और अगर वो किसी प्रॉब्लम में आने वाले हैं या हैं तो आप उस प्रॉब्लम का उन्हें समाधान करें, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने में उनकी हेल्प करें या उन्हें गुड गाइड करें, ठीक है। आप उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो किसी भी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए, ओके। अपनी क्लास याद करिए, आप एक ना एक टीचर आपका ऐसा होता ही था कि जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते थे, तो वो आपके एज एन मोटिवेटर आपका होता था और आपको मोटिवेट करता था और आपको आगे वाली आने वाली सिचुएशंस के लिए आपको गाइड भी करता था, ओके। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। बाय टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंदर आपका प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका जितने भी टाइप के आपके पोटेंशियल और कैपेसिटी है वो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग को लेने के लिए, जैसे कि आपका ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, जनरलाइजेशन एंड एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि कहने की बात सिंपल सी ये है कि अगर आप लर्निंग कर रहा है कोई बच्चा, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस याद रखना है, क्योंकि जो आपके सेंसेस हैं
जो डेवलपमेंट है सेंसेस का बच्चों के अंदर वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से उसको एनकरेज हो सके इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए। ओके तो ये था आज का आपकी क्लास, जिसमें आज हमने डिस्कस किया साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू टू ऑल।